टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शेखपुरा में भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार के खिलाफ थाली पीट कर जनता राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करने के दौरान प्रवासी श्रमिकों की उपेक्षा, राहत केंद्रों पर गड़बड़ी, लोगों को रोजगार नहीं देने और भूख से आम लोगों को मरने की बात भी कही गई। थाली पीटने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय पर पार्टी के नेता जुटे और केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, गरीब विरोधी नीतियों की वजह से वे गरीबों के पास रोजगार नहीं है। वहीं बिहार सरकार कोरोना शेर मारे में राहत केंद्र संचालन में भारी भेदभाव किया, पैसे की गोलमाल बड़ी संख्या में की गई, साथ ही वर्चुअल रैली करके ड्रीम मंत्री केवल बिहार की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार दिवस मना रहे हैं। वाम पंथ के तमाम लोग आज रैली में शामिल हो रहे हैं। पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं दूसरे रूप से हम लोग धिक्कार दिवस मना रहे हैं, इसलिए कि मोदी अमित शाह ने आज रखा है वर्चुअल रैली, वर्चुअल भाषण। हम लोग का डिमांड है भाषण नहीं राशन दो। कोरोना महामारी में पूरा देश तबाह है, परेशान है और उनको राजनीति जना रहा है। इस बात को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम वाम दल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए आज हम लोगों ने धिक्कार दिवस मनाया है। इस रैली के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं मनरेगा में 200 दिन काम दीजिए। हम लोग मांग करने जा रहे हैं प्रवासी मजदूरों को काम की गारंटी करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में लाल झंडा पूरे बिहार के तमाम जगहों में गोलबंद जनता को करके आंदोलन को तेज करेगी। के समय केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों विफल साबित हुआ, और जो माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि मजदूरों को मैंने यह देंगे वह देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया और सारा के सारा सिर्फ पेपरबाजी करते हैं। भाजपा जदयू के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, और जितना कोरोना से नहीं मरा उससे ज्यादा मेरा प्रवासी बिहार के जो मजदूर है, कुछ रेलवे से कट के मर गया, कुछ एक्सीडेंट से मर गया, कुछ भूखल मर गया, और उसके प्रति नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक पैसा देने का काम नहीं किया और एक भी वादा पूरा नहीं किया। 3 महीना हो रहा है गरीब परिवार मर रहा है, और हमारे गरीब मजदूरों के प्रति बिहार सरकार के अपर महानिदेशक द्वारा अपमानित किया गया, उसके बाद और क्षेत्रीय विधायक भी जो हमारे मजदूर के प्रति अपमान किया गया, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई इसका विरोध करता है और आगे भी विरोध करता रहेगा। क्या नाम होगा? राम सागर यादव, जिला प्रवक्ता।